नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी एस सी स्वागत है बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि जी एस वन और जी एस टू जो बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है अभी भी जी एस वन और जी एस टू का पेपर पढ़ नहीं पा रहे हैं वो कैसे तैयार करें कैसे नहीं तो उसको मैं दिखाऊँगा सिलेबस वगैरह तो मैं बार बार बता चुका हूँ बहुत बार बार एक ही कंटेंट लाऊँगा तो आप भी परेशान हो जाएंगे आज का लेक्चर जितनी देर का भी होगा देखना शुरू से अंत तक जी के लिए है मेनली जी एस टू की आज हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे जी एस वन को मैं इतना सिंपली एक्सप्लेन कर दूंगा पूरे के पूरे सिलेबस को कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान था और वाकई वही चीज़ है ही जी एस वन के सिलेबस में कुछ भी खास नहीं है स्टैटिक्स से को जोड़ के मैं कह रहा हूँ तो उसको जोड़ के भी चलेंगे हम लोग सब कुछ बताऊँगा स्टैट के बारे में बताऊँगा सब कुछ क्लियर करूँगा अंत तो तक ओके तो सबसे पहला चीज़ जो कन्फ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट में पहले उसको दिखा देता हूँ मैं एक सेकेंड रुक जाऊँ देखो ये पेपर है 2019 में जो पैंसठवीं बीपीएससी हुआ था उसका पेपर है जीएस अध्ययन वन लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन वन इसमें कुछ लोगों का कन्फ्यूजन था कि सेक्शन तीन जो होता है जो मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है उसमें एक तरह एक ही तरह के सारे क्वेश्चन करने होते हैं अलग अलग बी पी ऐसा कुछ भी लिख के नहीं देती है वो आपको आज़ादी देती है आठ क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में से करने होते हैं तीन तीन का पहले और दूसरे में से तीन तीन प्रश्न करने होते हैं खंड तीन में से दो प्रश्न करने होते हैं खंड तीन में ही मैथमेटिक्स होता है ओके तो पूरे पेपर को अगर हम बांटें जैसे जीएस पेपर बीपीएससी, ओके इस पूरे पेपर को अगर हम तीन सेक्शन बांटेंगे ना तो सबसे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा पहला सेक्शन होता है हिस्ट्री का ओके हिस्ट्री का ही सेक्शन होता है उसको बांटेंगे हम लोग सब टॉपिक में दूसरा होता है सेक्शन करंट का और तीसरा सेक्शन जो होता है ना वो होता है आपका स्टैट का ओके okay? यही तीन सेक्शन होते हैं इसमें और इसके अंदर सब सेक्शन हो सकते हैं जैसे हिस्ट्री का जो सेक्शन होता है ना इसे मूल रूप से चार सेक्शन होते हैं ध्यान पूर्वक सुनते चलना एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा चार या तीन सेक्शन मूल रूप से हिस्ट्री में होते हैं पहला सेक्शन जो होता है ना जीएस में अगर आप उसको वैसे ही पढ़ेंगे मुश्किल से पचास टॉपिक नहीं है दोनों पेपर मिला के जी और जी एस टू मिला के जिसके बाहर के क्वेश्चन आते हैं मैं फिर से कह रहा हूँ पचास टॉपिक नहीं है ऐसे दोनों पेपर मिला के और जी और जी एस टू जिसके बाहर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको तैयार करिए जी में मुश्किल से पहला जो सेक्शन होता है हिस्ट्री वाला सेक्शन और उसमें मुश्किल से आपका तेरह से चौदह टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से सारे क्वेश्चंस आते हैं मैंने क्या बोला तेरह से चौदह टॉपिक ही हैं जो पिछले तीस चालीस साल के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तीस साल के तो सारे के सारे पेपर वहीं से उठा के कॉपी पेस्ट किए होते हैं तो पहला जो सेक्शन होता है इसमें वो होता है आपका आर्ट और कल्चर का ओके आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही टॉपिक फिक्स कर दिया है बीपीएससी ने और वहीं से बार 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 रिपीट करता है क्वेश्चन तो जैसे इस बार अगर पाल कला पूछा है तो अगली बार पूरा चांसेज है कि पटना कलम से पूछ लेगा या मौर्य कला से पूछ लेगा तो कौन कौन से इसमें टॉपिक आते हैं इसमें एक आता है पटना कलम दूसरा आता है पाल पालों का कला आता है ओके तीसरा है मौर्य और अगर हम सिलेबस को देखें वैसे सामान्यतः तो पूछता नहीं है तो एक है गुप्त आर्ट गुप्त पीरियड का जो है गुप्त कला जो है उसके बारे में भी पूछता है है ना तो यही चार टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर में इसके अलावा आजकल लोग मधुबनी पेंटिंग भी पढ़ते हैं पता नहीं क्यों पढ़ते हैं पूछता नहीं है जनरली पूछ सकता है भविष्य में ये संभावना जरूर है तो मधुबनी आर्ट अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपका अपना वो है वैसे इन तीन को अगर चार को पढ़ के जाते हैं पटना कलम आप पेपर उठा के देखिए अगर पिछली साल पूछा है तो इस साल वो पाल कला या मौर्य कलाम से पूछेगा आपको क्या करना है पटना कलम को पढ़िए पाल कला को पढ़िए कला को पढ़िए और हजार शब्दों में मैं फिर से कह रहा हूँ हजार शब्दों का आपका नोट्स या आंसर जो भी लिखते हैं लिख के रख लीजिए दस पेज बारह पेज का इसमें से जब आप चार सौ पे शब्द का आंसर बनाएंगे चार पेज का तब तो आपका वो परफेक्ट आंसर बनना चाहिए मैंने क्या बोला कि हर टॉपिक पर आपके हजार पेज के लिखे हुए होने चाहिए हजार पेज में से आप एग्जाम में अगर चार सौ पेज में लिखते हैं चार पेज में चार शब्दों में आंसर लिखते हैं तो आपके पास क्लियर हो जाएगा जब हजार शब्द में आपके पास बनाया हुआ किसी भी चीज़ पर नोट्स होगा तो बहुत ही डिटेल नोट्स होगा जब आप एग्जाम में जाएंगे तो हजार में से मिनिमम चार सौ शब्द तो आपको याद होंगे ही होंगे अब होता क्या है दूसरा पर चलते हैं जी का दूसरे सेक्शन पर दूसरा जो सेक्शन है ना जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो है विद्रोह का सेक्शन विद्रोह में कौन कौन से पूछता है एक तो पूछता है मुंडा विद्रोह दूसरा है संथाल तीसरा है वहावी इन तीनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते यही तीन मुख्यतः टॉपिक ही पूछे जाते हैं बार 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 घुमा फिरा के यही तीन टॉपिक पूछे जाते हैं इसके अलावा नहीं पूछा जाता है जीएस मैं जी एस वन के सेक्शन वन की बात कर रहा हूँ जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं इन तीनों को आप तैयार कर लीजिए मैप सहित तैयार करना जो भी तैयार करना इनके मैप सहित तो और फैक्ट सहित तैयार करना नोट्स बना के और उनको हिसाब से जब आप आंसर लिखोगे उनके तो 400 शब्दों में आपके आंसर शब्द कोई लिमिट फिक्स नहीं है बीपीएससी पी एस में मैं 400 शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मिनिमम चार पेज तो आप लिखोगे इसलिए 400 शब्द बोल रहा हूँ कहीं भी वर्ड लिमिट लिखा हुआ नहीं आता है बीपीएससी में फिर से कह रहा हूँ वर्ड लिमिट का कोई वो नहीं है सीमा बी में आप जितने वर्डों में लिख सकते हैं लिखिए लेकिन बस एक ही चीज़ होता है कि चार पेज के मिनिमम तो आपको लिखना ही पड़ेगा समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ तो आपको इसको तैयार कर लेना चाहिए तीसरा जो सेक्शन होता है उसमें होता है बिहार का हिस्ट्री का सेक्शन होता है जिसमें मुख्यतः क्या पूछा जाता है एक अठारह का विद्रोह पूछा जाएगा जिसमें आपके कारण परिणाम इनसे संबंधित क्वेश्चन सीधा सीधा उठा कॉपी पेस्ट कर देता है और दूसरा है कि कुंवर सिंह जो थे उनकी भूमिका क्या थी समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं बाबू कुंवर सिंह जो हैं उनकी भूमिका क्या थी इस विद्रोह में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार के इतिहास में इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं चौथा जो सेक्शन है वो है कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं सबसे पहला लीजिए 1942 में जो भारत छोड़ो हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत छोड़ो और उसका प्रभाव बिहार में दूसरा क्या होगा असहयोग असहयोग आंदोलन उसका बिहार में प्रभाव तीसरा क्या होगा सविनय और उसका बिहार में प्रभाव चौथा क्या हो जाएगा इसके बाद हो जाएगा अलग राज्य के रूप में जब बिहार का गठन हुआ है ना उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है अलग राज्य के रूप में बिहार एक एक चीज को ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यह था हिस्ट्री का सेक्शन जहां से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं जो सेक्शन तीन होता है क्या बोला था मैंने कि जीएस के पेपर में तीन सेक्शन में होते हैं पहले सेक्शन से आपको तीन सवाल करने होते हैं जिसमें हिस्ट्री का सेक्शन होता है हिस्ट्री में मुख्यतः इसी सॉपिक सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं दूसरे सेक्शन से भी आपको तीन सवाल करने होते हैं जिसमें करंट का सेक्शन होता है तीसरे सेक्शन से आपको दो सवाल करने होते हैं जिसमें स्टैट के क्वेश्चन होते हैं समझ में आ गई बात इसके अलावा कुछ भी नहीं होता करंट अफेयर पर अब हम लोग चलते हैं कि जी वन में करंट अफेयर कैसे करना है आंसर राइटिंग के लिए मैंने क्या बताया कि किसी भी टॉपिक पर जैसे संथाल विद्रोह मैंने ले लिया ध्यानपूर्वक सुनना क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारे लोग होते हैं पास सब नहीं हो पाते हैं आंसर आपके इफ़ेक्टिव होने चाहिए नॉलेज भरना आंसर नहीं होता है ग्रुप में मैं बहुत सारे लोगों का आंसर पढ़ता हूँ मुझे कई बार बुरा भी लगता है क्योंकि वो एक ही तरह के आंसर सबके होते हैं आप ही जब आंसर चेक करोगे ना सौ के सौ कॉपी मैं आपको किसी दिन भेज दूंगा साब के कॉपी चेक करना आप पहले दूसरे तीसरे कॉपी के बाद चौथे कॉपी से जब आपको वही चीजें मिलनी शुरू होंगी तो आप अनमने ढंग से पढ़ना शुरू कर दोगे यही चीज़ आंसर चेक करने वाले के साथ भी होता है तो एक ही तरह की चीज़ें मत लिखिए अपने अंदर की क्रिएटिविटी को लाइए नॉलेज सबके पास होता है उसको ढंग से लिखना आना चाहिए समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ एक अलमारी है जिसपे सारे बुक जहाँ तहाँ फेंक के रखे हुए हैं एक अलमारी है जिस पर बुक अरेंज करके रखा हुआ सेक्शन वाइज की हिस्ट्री का सेक्शन ये है पॉलिटी का सेक्शन ये है आप दोनों से किस अलमारी को देखना ज़्यादा पसंद करेंगे जिस पर अरेंज करके रखा होता है जबकि दोनों अलमारी पर कंटेंट सेम ही है तो मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि आंसर राइटिंग अपनी क्रिएटिविटी को लाइए नॉलेज सबके पास होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका बढ़िया होना चाहिए बुक इस भाषा में लिख के आप लोग भेजते हैं कहीं से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया मैंने जो क्वेश्चन दिया उससे कॉपी किया पेस्ट करके भेज दिया ऐसे नहीं होता है एक से एक डेटा तक समान रहते हैं जैसे अंठावन परसेंट का डेटा कुछ लोगों ने लिखा था सबके ऊपर से तीसरे लाइन में अंठावन परसेंट का डेटा लिखा हुआ था मुझे नहीं दिखता है क्या मुझे दिखता है लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का शुरुआती है आंसर राइटिंग का तो इसलिए थोड़ा सा उसका ध्यान दीजिए अपना आंसर खुद से बनाइए नोट्स बनाइए बुक से देख कर लेकिन आंसर खुद से लिखना है, ओके करेंट अफेयर के सेक्शन पर चलते हैं करेंट अफेयर में क्या होता है ना कि यहीं पर मैं बता देता हूं तीन सवाल आपको करने होते हैं किस तरह के सवाल होते हैं वो तो ये 2019 का है पेपर इसमें मैं दिखाता हूं जैसे बीमस्टेक संगठन को स्पष्ट कीजिए ये भी हो गया रोहिंग्या शरणार्थी संकट का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए टू प्लस टू वार्ता क्या है भारत और ईरान के बारे में बताइए एनआरसी विवाद से आप क्या समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को स्पष्ट कीजिए ये सारे क्वेश्चन क्या हैं करंट अफेयर से पूछे गए उस समय से मुख्यतः इसमें आईआर का सेक्शन होता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद ये आईआर का सेक्शन नहीं है ये बस एक करंट अफेयर का सेक्शन है तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ इसमें से आपको तीन क्वेश्चन करने हैं कितने रहते हैं एक दो तीन चार पाँच क्वेश्चन रहते हैं इसमें से पांच में से कितने करने होते हैं तीन करने होते हैं आपको इसलिए मुख्य तौर पर ये आई आईआर का सेक्शन होता है और सबसे अच्छी इसके लिए बुक होती है जो विजन आई का करंट अफेयर आता है विजन आई मंथली मैगजीन आता है मासिक पत्रिका आती है उसी को पढ़िए उसमें अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर करके दूसरा सेक्शन होता है पहला उसमें पॉलिटी का सेक्शन होता है उसके बाद उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध करके सेक्शन होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय करंट पूरे साल के आपको मिलते हैं हर महीने का अलग अलग आता है हिंदी मीडियम के साथ ये खराबी है कि हिंदी मीडियम का मैगजीन दो महीने लेट आता है जून का मैगजीन आपको जुलाई या मई नहीं मिलेगा अगस्त में जाके मिलेगा तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है लेकिन विजन आई के मैगजीन को आप पढ़ के अगर जाएंगे मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन आपको छूटने चाहिए आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं कुछ लोग दृष्टि भी ते हैं लेकिन उसमें स्पष्ट तौर पर आपको नहीं मिलेगा इतनी स्पष्टता जितनी विजन मैगजीन में मिल मिलती है ओके अब चलते हैं स्टैट के सेक्शन पर तो यहाँ से आप करंट अफेयर कर सकते हैं इसके बाहर का नहीं आएगा अगर फरवरी के बाद आपका एग्ज़ाम होता है फरवरी के बाद का एग्ज़ाम मतलब मैं क्या क्यों कह रहा हूँ मान लो दिसंबर में जैसे एग्जाम है सौ परसेंट संभावना है कि दिसंबर में ही होगा तो अगर फरवरी के बाद होता है ना तो विजन की पत्रिका निकलती है हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग जैसे आई की के थ्री निकलती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध तीन ऐसी पत्रिका का नाम होता है विजन का पॉलिटी थ्री सिक्सटी फाइव इकोनॉमी थ्री तो जब आई आर होता है अगर वो एक बुक भी आप ले लेंगे ना तो आपको पूरे साल का आई का कंप्लीट हो जाएगा और ये मैगजीन मार्केट में लेंगे तो 40-50 रुपए की मिलती है 50 रुपए के आसपास की और अगर आप वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ मिलती है फ्री में ही तो वहां से आप इसको कर सकते हैं ओके इस्टेट के सेक्शन पर चलते हैं स्टैटिक्स में क्या होता है ना हवा ज़्यादा बना हुआ है होता कुछ भी नहीं है उस पेपर में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि हकीकत तो यही है स्टैट के पेपर का कुछ भी नहीं होता है मैं बताऊँ आपको सेवन और एट का मैथमेटिक्स जो होता है ना सेवन एट नाइन का मैथमेटिक्स होता है उसी पर आधारित मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं मैंने क्वेश्चन देखे हैं बैठ के आराम से अच्छे से एनालाइज करके इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या आपको तैयार करना होता है स्टैट के लिए तो स्टैट के लिए आपको चार से पाँच सेक्शन पर ध्यान देना होता है परसेंटेज आपका अच्छा होना चाहिए जो रेशियो का सेक्शन होता है रेशियो अनुपात जिसको बोलते हैं वो आपका अच्छा होना चाहिए और प्रॉफिट लॉस भी आपका अच्छा होना चाहिए प्रॉफिट लॉस और एवरेज इसके अलावा कुछ कुछ चीजें हैं जैसे पाई चार्ट बनाना आना चाहिए आपको पाई चार्ट जो आपने पढ़ा होगा या बार चार्ट जिसको हिंदी में मुझे क्या बोलते नहीं पता मुझे बार चार्ट होता है और ये सब सेक्शन आपका क्लियर होना चाहिए और ये किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा जो क्वांट की बुक आती है एस एस के लिए या बैंकिंग वगैरह के लिए उसमें भी आपको मिल जाएगा अगर आप आर एस अग्रवाल की बुक से पढ़ते हैं तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा इस्टेट में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं डेटा को अगर हम छोड़ दें तो सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाता है डेटा बदल के समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ तो वहाँ से उसको आप तैयार कर सकते हैं एंसर राइटिंग जो लोग कर रहे हैं मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा एंसर राइटिंग अगर आप करते हैं उसको कैसे करना होता है एंसर राइटिंग में क्या होता है ना देखो बीपीएससी जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है यूपीएससी की तैयारी में क्या होता है ना क्वेश्चन कोई आया तो उसका जो आ, क्या बोलते हैं उसको जो भूमिका हम बनाते हैं ना वो बहुत कम होता है बहुत ही कम होता है दो लाइन भी आप भूमिका बना के आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर शब्द सीमित होता है 200 शब्दों में या 250 शब्दों में 100 शब्दों में 150 शब्दों में ऐसे ही आता है फॉर्मेट यूपीएससी पी क्वेश्चन का तो भूमिका सबसे कम लिखा जाता है मुख्य बॉडी सबसे ज्यादा लिखा जाता है फिर छोटा सा कंक्लूजन लिखा जाता है यूपीएससी के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ अगर बी के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या होता है ना कि पचास के करीब में आपका क्वेश्चन का मुख्य बॉडी होता है जिसको मुख्य भाग बोलते हैं जैसे पूछा है कि अठारह सौ के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह की भूमिका की थी क्या थी तो जब आप बाबू कुंवर सिंह की भूमिका लिखेंगे तो मुख्य बॉडी हुआ वो लेकिन अठारह सौ के विद्रोह के कारण अगर आप लिख रहे हैं तो वो इंट्रोसेक्शन में आ जाएगा कंक्लूजन में क्या आएगा अठारह संतावन के विद्रोह का परिणाम तो यहाँ पर क्या होता है पचास परसेंट के करीब में जो दो पेज होता है मिनिमम उसमें आप भूमिका लिखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना सब लोग आंसर लिखते हैं लेकिन ये गलती कर रहे हैं बार बार पचास परसेंट के करीब में दो पेज मिनिमम आपको भूमिका लिखनी है आ, वो लिखना है मुख्य भाग लिखना है क्वेश्चन का क्वेश्चन का मुख्य भाग दो पेज मिनिमम होना चाहिए जो भूमिका होती है उसको आप एक पेज लिख सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कंक्लूजन को आप एक पेज लिख सकते हैं इससे चार पेज का जब आपका आंसर बनेगा तो आंसर कंप्लीट होता है बीपीएससी में आपको यही करना है जहाँ भी संभव हो अगर कोई विद्रोह आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर बिहार का मैप जरूर बनाइए मैप बनाकर दिखाइए ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन होता है आई का कोई क्वेश्चन होता है बिना मैप के उसको सॉल्व मत करना ओके कॉपी पेस्ट करके मुझे आंसर मत भेजिए मैं मुझे चेक करने बिल्कुल मज़ा नहीं आता है समझ रहो ना अपने आंसर अगर आपके हैं अपने बनाए हुए आपके अपने शब्दों में तो मैं उसको बढ़िया से चेक कर सकता हूँ अच्छे से चेक कर सकता हूँ बाकी एक ही ऐसे जब रिपीट होने लग जाते हैं आंसर तो मुझे उसको पढ़ने में फिर अच्छा नहीं लगता है सीधी सी बात मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ और रही बात रोज़ रोज, -रोज क्वेश्चन देने की तो मैं रोज अगर क्वेश्चन नहीं दे पाता हूँ तो आप अपने मन से लिख के भेज सकते हैं डिटेल तो दिया हुआ रहता है इंस्टाग्राम टेलीग्राम सबका जहाँ भी आपको संभव अच्छा लगता हो तो जी एस वन में मैंने क्या बताया एक बार रिपीट कर देता हूँ उसके बाद ख़त्म करेंगे इसको कि जी एस वन के पेपर में तीन सेक्शन होता है हिस्ट्री का करेंट अफेयर का और स्टैटिक्स का जिसको सांख्यिकी वगैरह बोलते हैं उसी का सेक्शन होता है बहत्तर नंबर के करीब होता है दो ही सवाल आपको हल करने होते हैं इसमें से कोई सा भी दो सवाल हल कर सकते हैं कोई ऐसा नहीं होता है कि पाई चार्ट वाले हल करने हैं या वेन डायग्राम वाले हल करने ऐसा कुछ नहीं होता कोई सा भी दो सवाल हल करने होते हैं उसमें से आपको ओके हिस्ट्री के सेक्शन में आर्ट एंड कल्चर में पटना कलम आपको पढ़ना है पाल कला पढ़ना है मौर्य कला पढ़ना है और गुप्त आर्ट आप पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा में आप मधुबनी पेंटिंग पढ़ के जाइए क्योंकि हो सकता है संभावना है कि ये पूछ सकता है आपसे अगर पाल कला पटना कलम पिछली बार पूछा है तो पाल कला और मौर्य कला गुप्त कला को अच्छे से तैयार करके जाइए वहाँ पर अच्छे से लिख के आइए बात ख़त्म हो जाएगी ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है इसलिए जब मैं बोलता हूँ कि के बी सिनैनो की जो बुक आती है मेंस की के बी सिनैनो मेन्स या दृष्टि मेंस की जो बुक आती है उसमें से टॉपिक उठा के बस पढ़ लो उसको नोट्स बना लो और उसको लिख लो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बात खत्म हो गया इसमें ऐसा कौन सा चीज़ है कि कहाँ से शुरू करें कहीं से भी नहीं शुरू करें बस पार, पटना कलम है पटना कलम के बारे में पढ़ लिया संसद टीवी ने भी पटना कलम के बारे में अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनाया हुआ है वहाँ भी आप देख सकते हैं उसको दूसरा मैंने विद्रोह में बताया कि मुंडा विद्रोह संथाल विद्रोह और वहावी विद्रोह इन्हीं तीन से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कभी कभार कोई और क्वेश्चन पूछ लेता है नहीं तो यही तीन सेक्शन आते हैं मुंडा अगर पिछली बार पूछा है तो संथाल और वहाँ भी तैयार करके जाइए उसको दोनों में से एक आएगा उसको आप लिख देना उन दोनों में से एक को ओके 400 शब्दों में आंसर मिनिमम लिखने की कोशिश कीजिए चार पेज होता है शब्द मायने नहीं रखता है बी में मुख्य रूप से है ना कहीं वर्ड लिमिट नहीं होता है बिहार की हिस्ट्री में अठारह सौ से हर साल ही लगभग में क्वेश्चन आते हैं या तो कारण्य परिणाम पूछा जाता है या बाबू कुंवर सिंह जी की भूमिका पूछी जाती है तो बाबू कुंवर सिंह की जब आप भूमिका लिखेंगे तो केवल उन्हीं के बारे में लिखना है मैं क्या कह रहा हूँ केवल उन्हीं के बारे में लिखना है वो जैसे जैसे आजमगढ़ की ओर बढ़ते गए कहाँ कहाँ पर उन्होंने युद्ध जीता किस किस से लड़ाइयाँ की किस किस को हराया उन्होंने कब उनकी मृत्यु हुई उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ ये सारा कुछ आपको लिखना है उसमें आपको ये नहीं लिखना है कि रानी झालक्ष्मी बाई क्या कर रही थी या दिल्ली में तथ्य दिल्ली में जो

पाश्चात्य शिक्षा का विकास से भी क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं आपको ये ध्यान रखना है आपको आठ ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें से तीन ही क्वेश्चन आपको इनमें से सॉल्व करने होते हैं सेक्शन वन में से और सेक्शन वन में करीब में छः क्वेश्चन होते हैं कितने होते हैं छः क्वेश्चन होते हैं सेक्शन वन में ओके इसलिए इसमें से तीन क्वेश्चन आप अगर सोल्व कर, सोल्व करेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं पाश्चत्य शिक्षा का विकास वगैरह भी एक बार देख के जाना चाहिए पूछता है तो आप कर सकते हैं अगर आप अच्छे कर सकते हैं उसमें लिखना चाह रहे हो अगर आप तो और अगर नहीं आप उसको लिखना चाह रहे हैं तो अठारह संतावन वगैरह सबको क्वेश्चन को, को पिकअप कर लीजिए तीन कोई सा भी क्वेश्चन लिखना होता है ओके राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार तो इसमें भारत छोड़ो है और सहयोग आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन है और अलग राज्य के रूप में जो बिहार का विकास हुआ उसके लिए आंदोलन हुआ है जो सज्जनानंद सिन्हा वगैरह जी का नाम आता है उसको आपको पढ़ना है अच्छे से करंट के सेक्शन में मैंने क्या बताया कि मुख्य रूप से आई का सेक्शन पूछता है आई का मैं कुछ टॉपिक आपको इस बार बता दूंगा एग्जाम से पहले दो से तीन दिनों में शुरू भी कर दूंगा जी में आई पढ़ाना और आपको जी एस का सेक्शन में अलग अलग टॉपिक पढ़ाना ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ मुझे एक घंटा आधा घंटा पढ़ाने के लिए तीन से चार घंटे पढ़ने पड़ते हैं खुद तो इसलिए आप उस लेक्चर को जाकर जरूर देखिए जो हिस्ट्री का लेक्चर चलता है बहुत ही अच्छा होता है इन्फॉर्मेटिव होता है देखना चाहिए आपको तो आई में आप विजन की मैगज़ीन पढ़िए मासिक पत्रिका अगर फरवरी के बाद जिनको देना है जो अड़सठवीं बी पी की तैयारी कर रहे हैं तो फरवरी में मैगजीन आता है आई आर विजन आई का तो उसको आप पढ़ के जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आई में गलत नहीं होगा और सेवन एट नाइन्थ की मैथमेटिक्स में जो स्टैटिक्स का लेवल होता है और आर एस अग्रवाल जो होता है या स्टैट का क्वांट uh, का किसी भी कंपटीशन का बुक ले लीजिए एसएससी से जो बैंकिंग वगैरह की बुक आती है उसमें क्वांट सेक्शन में आपको मिल जाएगा स्टैट का सब कुछ लेकिन आपको परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट एवरेज पाई चार्ट बार चार्ट ये सब क्लियर होना चाहिए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाकी आंसर राइटिंग के लिए तो मैंने बताया ही है आंसर राइटिंग ढंग से करिए सब कोई आंसर लिख के आता है नंबर सबको नहीं मिलता है इस चीज का ध्यान रखना स्टेटिक्स का पोर्शन अगर आप छोड़ के जाते हैं आपका सलेक्शन श्योर नहीं होता है मेंस में क्यों अगर आपने मैथमेटिक्स के पूरा क्वेश्चन शुरू से अंत तक सॉल्व कर दिया तो आप इसको में 100 परसेंट मार्क्स एक्सपोर्स कर सकते हैं बहत्तर नंबर में इकहत्तर नंबर तक आ सकता है जी में अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा है सौ नंबर का अगर मान लो जी होता है तो भी आपको बहुत अच्छा लिखने पर सत्तर परसेंट मार्क्स देगी इससे ज़्यादा कभी भी किसी को जी एस में मार्क्स नहीं मिलता लेकिन मैथमेटिक्स में मार्क्स नहीं कटते हैं इसलिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल जिनका होता है बी में उनको बहुत बेनिफिट मिलता है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना तो स्टैट को छोड़ना मत जितना जी के लिए आप एफर्ट लगाते हो उतना ही स्टैट के लिए भी एफर्ट लगाना है ओके और जो सेक्शन वन होता है जीएस पेपर का सेक्शन वन यानी कि हिस्ट्री का सेक्शन इसमें क्वेश्चन और टॉपिक बहुत ही फिक्स हैं सेक्शन टू में टॉपिक बदलते हैं करेंट अफेयर के हिसाब से सेक्शन वन में टॉपिक फिक्स हैं इसलिए उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए फिक्स है एडवांटेज उसका उठाइए मैं 12 से 13 टॉपिक मात्र पढ़ने हैं ऊपर से नीचे 12 से 13 ही टॉपिक थे हिस्ट्री में उसको अगर आप पढ़ के नोट्स बना के अच्छे से रख लीजिए मैप ऐप बना के सजावटी ढंग से चार पेज लिखने लायक तो फिक्स हो जाएगा आपका पास होना सेक्शन वन में इसी तरह से मैं जी का भी एक दिन बना दूंगा वीडियो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके आ, मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से जितना बुद्धि भगवान ने दिया है उस हिसाब से बताने की गाइड करने की थैंक यू सो मच ओके